हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको हैंडबैग का नया ट्रिक बताने वाली हूँ, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखिए गाइस, आज का हैंडबैग में सिर्फ आपको एक रेक्टेंगल पीस में बताने वाली हूँ। देखिए, इसके लिए मैंने एक रेक्टेंगल पीस लिया है और लाइनिंग के लिए मैंने और एक फैब्रिक का कटिंग लिया है और टाइटनेस के लिए मैंने राइस बैग का कटिंग लिया है और इसको इस तरीके से रख के आपको चारों तरफ से सिलाई लगानी है और क्विल्टिंग पैटर्न बनाना है। पूरी सिलाई होने के बाद आपको दोनों साइड में इस तरीके से फोल्ड करके आपको पाइपिंग करना है। देखिए गाइस, यहाँ पे हमारा रेक्टेंगल पीस में सिलाई होके रेडी हो गया है। अभी हमें इस तरीके से आपको दोनों बाजू में 4 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेके एक लाइन खींचनी है और जहाँ पे हमने लाइन खींची है वहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। दोनों साइड में सिलाई होने के बाद आपको इस तरीके से मिडल में से फोल्ड करना है और दोनों बाजू आपको अटैच करने हैं। दोनों बाजू अटैच होने के बाद आपको 5 सेंटीमीटर का एक फैब्रिक का पट्टी लेना है और इसको दोनों साइड में आपको पाइपिंग करनी है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। दोनों साइड में पाइपिंग होने के बाद आपको बॉटम में इस तरीके से 3 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेके स्क्वायर कट करना है। ऐसे आपको दोनों साइड में करना है। जहाँ पे हमने स्क्वायर कट किया है वहाँ पे इस तरीके से दोनों साइड में अटैच करना है। दोनों साइड अटैच होने के बाद आपको रफ एजिस पाइपिंग करके कवर करना है। अभी हमें बैक के ऊपर फ्लैप बनाना है। इसके लिए हमने एक स्क्वायर फैब्रिक का कटिंग लिया है और टाइटनेस के लिए राइस बैग का कटिंग लिया है और लाइनिंग के लिए और एक फैब्रिक का कटिंग लेके चारों तरफ से सिलाई लगानी है और क्विल्टिंग पैटर्न बनाना है। यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा ही लिया है, बाद में हम एडजस्ट करके कट करेंगे। अभी हमें बैग को उल्टा करना है। देखिए गैस, यहाँ पे मैंने जो स्क्वायर कटिंग दिया था फैब्रिक का, मैंने एडजस्ट करके कट किया है। देखिए, जो हमारा बैग का साइज़ है उस हिसाब से हमें कट करना है मेजरमेंट लेके, और 5 सेंटीमीटर का एक पट्टी लेके आपको चारों तरफ से पाइपिंग करनी है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। देखिए गैस, यहाँ पे हमारा फ्लैप जो है वो रेडी हो गया है। अभी हमें पीछे की साइड में एक मेजरमेंट लेके आपको फ्लैप अटैच करना है। देखिए, यहाँ पे मैंने 5.5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेके एक मार्क किया है और वहाँ पे हमें फ्लैप का एक साइड अटैच करना है। देखिए, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। अभी हमें बेल्ट बनाने के लिए एक फैब्रिक का कटिंग लेना है। इसका साइज़ मैंने आपको स्क्रीन पे दिया है, वो आप देख सकते हैं। और लाइनिंग के लिए मैंने शॉपिंग बैग का कटिंग लिया है और इसको चारों तरफ से सिलाई करनी है। सिलाई होने के बाद एक्स्ट्रा है वो कट करना है और आपको इस तरीके से फोल्ड करके एक सिलाई लगानी है। बेल्ट की एक सिलाई होने के बाद आपको डबल स्टिच करना है। हमने जो बेल्ट बनाया है वो इस तरीके से फ्लैप के ऊपर सेंटर में मेजरमेंट लेके आपको स्टिच करना है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। बेल्ट अटैच होने के बाद हमें फ्लैप के ऊपर और जो बैक है उसके ऊपर इस तरीके से आपको एक वेलक्रो लेके अटैच करना है। देखिए गाइस, यहाँ पे हमारा बैग का फाइनल लुक बहुत ही बढ़िया और सुंदर लग रहा है। फ्लैप के ऊपर हमने जो पाइपिंग किया है उससे तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और हमने वेलक्रो लगाया है उससे ओपन और क्लोज कर सकते हैं। देखिए गाइस,
यहाँ पे हम इस बैग में कॉस्मेटिक्स का सामान रख सकते हैं। देखिएगा जहाँ पे पाउडर, जो क्रीम्स वगैरह रहता है, और लोशंस, ये हम रख सकते हैं। जो बड़े बॉटल्स है वो इसमें हम कैरी कर सकते हैं। देखिए गाइस, आई होप आपको आज का मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स करना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।